नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और इस समय की एक बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर दें। जिस तरीके से आपको बता दें कि कोविड-19 के दौरान जो है एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी और इसमें जो एक्स ग्रिशिया जो असिस्टेंस थी वो देने की बात की गई थी कि जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान जो मृत्यु होगी और उसमें जो उनके परिवार के जन रहेंगे उन्हें जो दिया जाएगा, एक तरीके से अगर बात करें एक मदद जो थी वो देने की बात की गई थी और उस पर आज जो है साफ तौर पर जो है ये असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एक ऑर्डर जो है वो निकाल लिया गया है। और आपको बता दें कि ये ऑर्डर जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन जो है उसके द्वारा निकाला गया है। और इस ऑर्डर के तहत अगर बात करें तो इस ऑर्डर में ये साफ कर दिया गया है कि अ ग्रांट ऑफ क्लेम टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिजीज बाय द कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के तहत जिसकी मृत्यु हुई है उसे जो है एक ग्रांट दिया जाएगा, उसके परिवार या उनके आगे जो बच्चे रहेंगे उनको एक ग्रांट जो है 50,000 रुपए का, यानी कि 50,000 का ग्रांट जो है ये दिया जाएगा। और ये ग्रांट जो है ये कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जितने भी जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं उनके लिए दिया जाएगा जिनकी मृत्यु जो है कोरोना की वजह से, यानी कि कोविड-19 की वजह से हुई है। और इसमें जो है ये पूरा वेरीफाई किया जाएगा, इस स्कीम के तहत आने वाले लोगों को जो है पहले एक वेरीफाई किया जाएगा, एक डाटाबेस जो है हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से निकाला जाएगा और उस डाटा के तहत जो है पूरा डाटा बेस से चेक करने के बाद जो है उन लोगों को, यानी कि उन सभी परिवारों को जो है ये मदद देने की बात की गई है। इसमें साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जो है आपको बता दें कि कंसर्न्ड डीसीज यानी कि डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं, जो कि ये चेयरमैन हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, साथ ही साथ हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको जो है ये पूरा एक चेक बनाकर रखना है कि इसकी सैचुरेशन जो है तकरीबन 2 महीने के विद इन 2 मंथ जो है वो होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है इसमें जो है ये पूरी बात की गई है कि इश्यू एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है वो बनाने की बात की गई है, यानी कि सभी डीसीज को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज हैं उन्हें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है वो तैयार करनी होगी और उसके बाद जो है ये इसके रिड्रेसल जो जितने भी ग्रीवियंस होंगे उनका रिड्रेसल करना होगा और सर्टिफिकेशन यानी कि कोविड-19 का डेथ का जो सर्टिफिकेट है उसको देने में, अगर बात करें तो कमेटी में कौन कौन लोग होंगे उस पर भी ध्यान देने वाली बात है। इसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हैं डिस्ट्रिक्ट के वो रहेंगे, और एमएस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होंगे उसके एमएस या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो एमएस हैं वो इस कमेटी का हिस्सा बनेंगे। अब क्या क्या टर्म्स रहेंगी इसमें जो है कोविड-19 डेथ जो है उसे वेरीफाई करना है एज पर दी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ICMR की जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत जो है इस डेथ को वेरीफाई करना होगा। जो रेमिडल मेजर्स दिए गए हैं वो सारे जो हैं वो लागू होने चाहिए। डिटेल जो अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स टू वेरीफाई फैक्ट्स जो हैं वो सारे पहले फैक्ट्स जो हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे। इसमें साफ तौर पर बात करें तो इसमें कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो निकाली गई हैं और उसकी के तहत जो है ये ग्रांट जो है वो दिया जाएगा। और इसमें साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है 30 जून 2021 को एक ऑर्डर निकाला था और डायरेक्ट किया था, उसमें साफ तौर पर ये हिदायत दी थी कि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से कोविड-19 में जिनकी मृत्यु होती है, जिनके परिवारों का के लोग जो है कोविड-19 की मृत्यु जिनकी होती है, तो उन्हें जो है मैंडेटरी जो सेक्शन 12 है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उसके तहत जो है रिलीफ प्रदान किया जाए। और उसी के चलते जो है अब ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये फैसला ले लिया गया है। और जिस तरीके से हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये फैसला लिया गया था कि रिलीफ प्रदान किया जाएगा, तो उसी के चलते जो है ये एक बड़ी खबर है क्योंकि उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य जो हैं
कोविड-19 के दौरान को हैं। कोविड-19 के अगर पहली वेव की बात करें या दूसरी वेव की बात करें तो कहीं ना कहीं कई परिवारों के लोग जो हैं वो इसमें अपनी जान गंवा बैठे, कई परिवारों के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपनी जान से हाथ गवाया और अभी उन परिवारों को मदद पहुंचाने के प्रयास के चलते जो है ये पूरी यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर कोशिश की गई है कि उन परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए जो है साफ तौर पर, और बताया जा रहा है कि इसमें जो है हो सकता है कि उन परिवारों के जो मेंबर्स हैं उनका फिर एक बैंक अकाउंट लेकर जो है उस बैंक अकाउंट में जो मदद है वो पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो देने के बाद इसके बाद जो है कहीं ना कहीं इस पूरे 30 दिनों के अंदर अंदर जो है बात की गई है कि इसका रिड्रेसल करना होगा। 30 दिनों के अंदर अंदर जो है पूरा इस पर जो है अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करनी होगी और जो भी कोई प्रॉब्लम है उसे रिड्रेस करना होगा। और जितने भी ग्रीवियंस है इस कमेटी का अगर बात करें तो जितने भी ग्रीवियंस रहेंगे उस परिवार के जिसका अपना सदस्य खोया है और उसके लिए जो नेसेसरी रेमेडियल मेजर्स होंगे वो लेने की बात की गई है। साथ ही साथ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो अगर बात करें तो वो प्रॉपर टाइम से जो है इशू करने की बात की गई है। साथ ही साथ इसमें जिस तरीके से बात करें तो पिटीशन जो है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर इश्यूएंस जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कोविड-19 डेथ के हैं वहां पर अपनी पिटीशन दायर कर सकता है। जिस तरीके से अगर बात करें तो लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं और इसमें साफ तौर पर एक कोशिश ये रखी जा रही है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो उन परिवारों को अब मदद पहुंचाने का प्रयास जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और इसमें साफ तौर पर जिस तरीके से अगर बात करें तो उन परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है, यह कह सकते हैं कि उन परिवारों ने जो एक दुख की घड़ी देखी है, जिन परिवारों पर अभी भी वो दुख है जिन्होंने अपने परिवार के किसी एक सदस्य को खोया है, उन्हीं की मदद देने के लिए जो है एक छोटी सी पहल जो है वो कर दी गई है। और ये एक पूरे फॉर्मेट के तहत जो है बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है उन परिवारों को मदद पहुंचाई जाएगी, उस किस तरीके से जो एक फॉर्म जो है वो भी निकाला गया है और उसमें जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की बात की गई है वो मैं आपको बता दूं, इसमें डेथ सर्टिफिकेट जो है वो लगाना है और जिसमें साफ तौर पर मेंशन हो कि मृत्यु जो है कोविड-19 की वजह से हुई है वो, आधार लिंक्ड अकाउंट नंबर जो है वो देने की बात हुई है विद IFSC कोड जो है वो, साथ ही साथ आधार की कॉपी जो यानी कि जो भी इस रकम को यानी कि इस ग्रांट को क्लेम कर रहा है उसकी आधार की कॉपी जो है वो, साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ जो है वो लगाया जाएगा और लीगल सर्टिफिकेट जो है वो ही लगाया जाएगा, यानी कि उस इंसान के साथ जो रिश्ता है उसको लेकर जो लीगल सर्टिफिकेट है वो लगाया जाएगा। साफ तौर पर ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये पूर्ण रूप से इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाए जाएंगे, यानी कि इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में जो है बताया जाएगा कि कौन उस ग्रांट के लिए क्लेम कर रहा है, उसका क्या रिश्ता है था उस व्यक्ति के साथ जिसकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई है, जो भी रिश्ता होगा वो इसके साथ बताया जाएगा, कहाँ का रहने वाला है, किस तहसील और किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है वो जानकारी दी जाएगी और वो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, डेथ की डेट बतानी होगी, जगह बतानी होगी कि कहाँ पर हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा और बाकी जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके साथ अटैच करने हैं। और उसके बाद जो है ये पूरा जिस तरीके से इसमें बैंक डिटेल मांगी गई है तो साफ तौर पर यही है कि बैंक में जो इसके बाद जो वो ग्रांट है 50,000 रुपये का जो ग्रांट है वो इस पे दिया जाएगा पूरी रूप से, जो एक जानकारी है जो एक कमेटी तैयार की गई है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो तैयार की गई है वो कमेटी जो पूरी जानकारी हासिल कर लेगी या पूरी छानबीन के बाद जो है वो जो मनी है यानी कि जो ग्रांट मनी है वो इसमें ट्रांसफर किया जाएगा। तो उन परिवारों के लिए एक मदद का जो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जून के महीने में कि उन परिवारों को जो है कहीं ना कहीं मदद पहुंचानी चाहिए, उन परिवारों को जो है असिस्टेंस देनी चाहिए और उसी के चलते जो है साफ तौर पर अब ये फैसला जो है जम्मू कश्मीर की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ले लिया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की तरफ से जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये फैसला ले लिया गया है कि 50,000 रुपये का ग्रांट जो है उन परिवारों को दिया जाएगा जिन परिवारों ने जो है अपना कोई प्रिय जो है या कह सकते हैं अपना कोई प्रियजन जो है अपने परिवार का सदस्य जो है कोविड-19 की जो लगातार
संकट रहा है, ये कोविड 19 का जिस तरीके से प्रकोप रहा है उसमें खो दिया है, तो उन परिवारों के लिए मदद का हाथ जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की सहायता से जो है ये रिलीफ जो है उन परिवारों तक मिल सकता है, उन परिवारों को मिल सकता है। और अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई परिवार है तो उस तक ये जानकारी जरूर साझा कीजिए, उसको जरूर बताइए ताकि उनके परिवार को वो जो मदद है वो जरूर मिल सके। तो इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें दी आर्थ न्यूज के साथ।